थैंक यू सो मच। पशुपति में आने भाषा विशेष के आज को स्पेशल के अब यह देश में पशुपतिनाथ ने समृद्धि विकास दिओस् नेता सद्बुद्धि दिओस् देश में आर्थिक क्रांति होस् सुख होस् शांति होस् सब को मन में उमंग होस् उत्साह होस् रहा नेतृत्व ने अब देश साँच्चै भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का पहल करोस् समाज में एकदम नेपाली जनता 3 करोड़ जनता खुशी भएर एकदम तपाईको समृद्धि र विकास देख्न पाओस् भन्ने चाहना चाहिँ पशुपतिनाथले चाहिँ पूरा गरोस्। महाशिवरात्रि पर्व हामी सबै नेपालीले सम्मान गर्नुपर्छ। शिव भगवान भनेको शक्तिको भगवान हो। शिव भगवानले साच्चै नेपाललाई अहिलेसम्म माया गर्नुभएको छ। शिव भगवानको कृपाले हाम्रो देशमा पछिल्लो समय एउटा शुभ संकेतहरू देखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज शिवरात्रिको दिन शिव भगवानको दर्शन गरेर आनन्द लिने र सुख र शान्तिको कामना गर्ने भित्र आउनलाई कति गाह्रो हुँदैन। अब गाह्रो त यसै भइहाल्छ होइन। अब धेरै जनताहरू हुनुहुन्छ, आज लाखौँ जनताहरू यहाँ लाइनमा हुनुहुन्छ, धेरैको पीडा पनि छ, तर व्यवस्थित छ, राम्रो छ, म यसलाई पोजिटिभ लिन्छु। अनि दाइले चाहिँ अब शिवरात्रि दिन विशेष भनिन्छ नि घोटा खाने अब अथवा हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ विभिन्न परिकारहरू बनाएको हुन्छ खाने भनिन्छ, दाइले बिहानै लागेको त होइन। आज सर मैले जीवनमा केही पनि खाइनँ, धुम्रपान गरिनँ, मद्यपान गरिनँ, र म भगवान्सँग यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु गड गिफ्ट कि कहिले गरेर नपरोस् धुम्रपान र मध्य। आजको दिनलाई हेर्दाखेरि त दाइ अब जसरी कहिले नगर्ने मान्छेले गर्छ नि अब दाइले पनि गर्नुहुन्छ होइन? म त गर्दिनँ, कहिल्यै गर्दिनँ जीवनमा। तपाईँ योग गर्नु, ध्यान गर्नुहोस्, एकदम प्रसन्न हुनुहोस्, भगवान् पशुपतिनाथको आराधना गर्नुहोस्। जसरी आजको दिनमा जसरी दाइले यहाँ आउनु भएको छ, त्यो समृद्धिको बाटोमा जाने प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, आजको दिनलाई कसरी जस्तो कि सधैँको वर्षमा सम्झिन सक्छौँ दाइ? हामी सबैले सम्झिनु पर्छ, शिव भगवान्को शक्ति छ नेपालमा। शिव भगवान्ले हामी सबैलाई सद्बुद्धि दिउन् र शिव भगवान्को जसले पूजा गर्छ आराधना गर्छ त्यो मान्छे सफल हुन्छ। मेरो नाम प्रेम कैदी, प्रेम कैदी कहाँबाट आउनुभयो? म चाहिँ नि यहाँ अहिले त म कालीकोटको मान्छे हुँ। ए कालीकोट, अनि यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ म चाहिँ त्यतिकै हल्लिने, काम केही छैन, नोकरी छैन, जुम्ला उम्लाको मान्छेलाई कसले नोकरी दिन्छ? अनि भन्नाले यहाँ चाहिँ पशुपतिमा चाहिँ आज आउनु भएको छ शिवरात्रिको दिन, भगवान्को आराध्य देवको दर्शन गर्न आएको। शिवको भक्त, सबै नेपाली शिवकै भक्त हुन् नि, क्रिस्चियनको पैसा खानेहरू बाहेक, क्रिस्चियन र मुसलमानको पैसा खाने प्रोजेक्ट जो सिवा टू अन्तर्गत जो ऊ खानेहरू छन् नि, त्यो त्यस्ता विदेशीहरूका दलालहरू छन् तिनीहरू बाहेक सबै 3 करोड नेपाली र चाहिँ विश्वभरिका अरबौँ हिन्दूहरू सारा देवादिदेव महादेवकै भक्तहरू। जस्तो कि तपाईँले पैसा खाएको कुरा गर्नुभयो, पैसा खाएको क्रिस्चियनहरूले पैसा खाएकै भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? हो, खाएको, प्रोजेक्ट जो सिवा टू अन्तर्गत अरबौँ डलर खाएका छन् तपाईँको, हाम्रा नेताहरूका सबका चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको चाहिँ भर्जिन ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा यिनीहरूका सबका खाता छन्। कति समय भयो तपाईँ यो लाइनमा लाग्नुभयो, कहाँदेखि कहाँसम्म आउनु, यहाँ आउनलाई कति टाइम लाग्यो तपाईँ? मलाई यहाँ अहिले 2 घन्टा जति भयो र बहुतै राम्रो म्यानेजमेन्ट छ योपालि, र जे होस् हामीलाई त 5 अन्तर्गत हामी यहाँ आएका हौँ। मसँग हजुर एकदमै राम्रो व्यवस्था छ योपालि तुलनात्मक रूपमा पशुपति विकास कोषले, जे होस् अहिले अरू पोहोर पार सालभन्दा योपालि चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो देखिएको छ। तर जो मूल लाइनमा बसेर आउनेछन् उनीहरूलाई चाहिँ अलिक समस्या छ जस्तो लाग्छ, व्यक्तिलाई त समस्या भइहाल्छ नि होइन? ओके, तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम विष्णु खड्गा, घर चाहिँ दाङ हो। पश्चिमको क्षेत्रबाट आज काठमाडौँ होइन, यहाँ हामी अस्थायी बसोबास, हामी यहाँको पऱ्यो, मेरो पनि यतै छ, तर हामी सधैँ शिवरात्रिमा लाइन लागेर दर्शन गर्न आउँछौँ। आज अलिकति अलिक व्यवस्थित भएको जस्तो लाग्यो, अहिलेको यो म हरेक वर्ष आउँछु। यति भइरहँदा सधैँ लाइन, धार्मिक आस्था जस्तो तपाईँले राख्नुहुन्छ, आज जस्तो कि शिवरात्रिको दिन यहाँ आउनु भएको छ, स्पेसल के छ आज? अब हामी शिव भक्त सबै, यो मुलुकै शिव, सबै शिवका भक्तहरू, देश हो यो, गोरखनाथ भएर जन्मे शिव, त्यसपछि गोरखा हो यसको नाउँ, गोरखनाथ यो देशको शिव चाहिँ ब्रह्माण्डको राजालाई, यो देशको लागि चाहिँ प्रगति र उन्नतिको लागि विकासको लागि चाहिँ शिवको चाहना, शिवको दृष्टि पुगेन भने केही पनि हुँदैन। आज यो देशको गति बिग्रिँदै गएको छ नि, कुदृष्टि राख्नेहरूको चाहिँ यता चेष्टा नपरेर शिवप्रति भक्तभाव नभएर यो गति भएको हो। धन्यवाद। अनि तपाईँ बोल्छु भन्दै होइन, मेरो नाम जेनेत। अनि तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो भन्नाले तपाईँ यति सानो उमेरमा यहाँ आउनु भएको छ, के छ आज के माग्न चाहिँ आउनु भएको छ? म आफ्नो पढाइ राम्रो होस् भनेर।
लाइनमा पर्छ के नम्बर कति समय भयो तपाई लाइन लाग्नु आज चाहिँ ध्यान गर्नु 1 घण्टा 1 घण्टा नै भइसक्यो दुःख कति भयो फर्साल पनि आउनु भएको थियो तपाई यही साल मात्र बाबाहरू हुनुहुन्छ जसले पशुपतिनाथ दर्शनमा सायद बाहिरबाटै आउनु भएको छ होला म उहाँसँग कुरा गर्नेछु सकभर उहाँले चाहिँ नेपाली चाहिँ पक्कै पनि बोल्न चाहिँ सक्नुहुन्न होला म हिन्दीमै कुरा गर्नेछु ओके बाबा आप लोगों सभी को स्वागत है हमारा नेपाल को नमस्ते अनि आपका भी स्वागत है नेपाल की जय हो बोले आप सबका नाम ही बता दीजिए हमारा नाम गणेश दास बाबा उत्तराखंड से आया हम अनि आपको पता नेपाल को नमस्ते होता है हमारा नाम है विक्रम आप किधर से हम आए उत्तराखंड से सब एक ही जगह गए क्या ओके आप लोग ये पहली बार आए और क्या है नहीं कई बार आया है 40 वर्ष हो गया आते आते इधर में नेपाल में पशुपतिनाथ का दर्शन करते करते महाशिवरात्रि और श्रावण में आते हैं इधर में बाबा जी श्रावण में क्या तो उसमें जल चढ़ाने हरिद्वार से जल लेके गोमुख से इधर चढ़ाने अच्छा आप लोग गाड़ी में आए हुए होंगे ना हाँ गाड़ी में आया है अब इधर जब शिवरात्रि का बहुत इतना उछल रहा है अब इतना होता है तो आप लोग ये शिवजी के बारे में थोड़ा हम लोग को थोड़ा वर्णन करना चाहेगा तो कैसे बताएगा आप लोग शिवजी ऐसा है और शिवाजी का पूजा करने के बाद ऐसा होता है आप लोग ये वर्षों से धर्म कर रहे हैं ना ये शिवजी को मानते हैं ना ये शिवजी को हम सजिले अच्छा तरह से कैसे हम लोग जानेंगे शिवजी को शिवजी को मन से ही याद करना पड़ता है आस्था से अपने मन से याद करो सब जगह मिलेंगे घट घट में मिलेंगे पट पट में मिलेंगे शिव जी एक महानिर्माणी है भूतनाथ है भूतकाल है हाँ ये मन से याद करो तो मिलते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं पशुपतिनाथ में अच्छा मेरे को ये बताओ इधर नेपाली लोग बहुत लोग जानना भी चाहेंगे हाँ ऐसा बोलता है कि इंडिया से आए बाबा लोग सब नांगा चलते हैं और क्या बोलता है नांगा वो करता है अथवा और क्या बोलता है लिंगा देखा है कि बहुत पूजा करने लगाएगा ऐसे बोलता है ये क्या है ये तो अपना अपना साधु संत का समाज का है जो कोई नांगा है कोई निर्वाणी है कोई उदासीन है कोई माँ पंचायती से है कोई त्यागी है कोई सन्यासी है वो सब अलग अलग संप्रदाय से इनके बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते जो नागा है वो अपना नागा संप्रदाय से है हम उदासीन अखाड़े से हैं तो हम उदासी हैं बाबा श्री चंद जी के चेला बस आप ये बताओ हम लोग तो नहीं जानते इसमें नांगा बाबा बोलता है ना वो बाबा लोग के हैसियत में नहीं जोड़ने से अच्छा है और कैसे उनका जो है बड़ा संस्था है उनका नागा बाबा के हाँ वो नागा बाबा ओम है अच्छा अच्छा वो ब्रह्मचारी नागा महात्मा लोग होते हैं अच्छा अच्छा तो तभी वो लोग नांगे होंगे ना हाँ अच्छा वो अपना वस्त्र बिल्कुल नहीं लगाते हैं जहाँ भी रहते एकदम नांगर रहते हैं वस्त्र नहीं लगाते हैं अच्छा अभी तो कुंभ मेला लगा है उधर में लाखों करोड़ों नागा साधु लोग आए हैं जो उधर में कुंभ में स्नान हुआ है छेठ हो उधर में बहुत बड़ा कुंभ में स्नान हुआ है अभी कुछ उधर से नागा लोग यहाँ भी आए पशुपतिनाथ में दर्शन करने के लिए अच्छा आप लोग तो इतना जवान भी है अभी बाबा हम बाबा बोलेगा तो हम जैसे लगते हैं हम भी बाबा है क्या लगता है आप लोग हमारे हम लोग बचपन से ही हैं बचपन से गुरुगद्दी दान किया गया है अच्छा छोटेपन से ही 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र में गुरुगद्दी दान किया जाता है तो उसी में साधु संत लोग बनता है अच्छा मेरे को इधर देख रहा है आप तो बहुत जवान ही हो अभी तो होंगे अब इतना होकर बाबा बोलने से भी हमारे को लगता है कि हम जैसे आप तो हम जैसे लगता है छोटा है अभी हमारे को लगता है कि बाबा कैसे बोलता है बाबा किसको बोलता है हमारे को बहुत कन्फ्यूज लगता है आप स्पष्ट से बता दीजिए बाबा किसको बोलता है बाबा साधु रूप है साधु रूप को बाबा बोला जाता है मैं आपके मुख से समझ आता हूँ बोलो बाबा साधु रूप ही है तो बाबा मतलब सेवा सुबह मान करते हैं सब क्यों मान करते हैं उसे बोला जाता है बाबा अब इतना छोटा उम्र के अब ये पढ़ते हैं अच्छा पढ़ते भी है हाँ उधर जाके पढ़ाई करेंगे ये अभी दर्शन करने के लिए लाए पशुपति में और ये जो वो जो नागा लोगों का वर्णन है ना जब गंगा जी धरती पर आई थी ना तो उन्होंने बोला था भोलेनाथ जी मैं तो धरती पे जाऊंगी मृत लोग का पाप धोने है ना और मेरा पाप को मैं जब इनका पाप धोते धोते मैली होंगी तो मेरा पाप कौन धोएगा उन्होंने कहा जब 12 साल बाद कुंभ लगेगा ना और कुंभ में जो नागा लोग आपके गंगा में डुबकी लगाएंगे ना तब आपका पाप जो है दूर होएगा पाप गंगा का भी पाप जो है दूर हो जाएगा अच्छा इसलिए नागा लोग इसमें डुबकी लगाते हैं बोलो नांगा नहीं होने से भी कुछ नहीं बिगड़ेगा ना बिगड़ेगा तो बिगड़ जाता है सब कुछ वो लोग का नांगा होने से हाँ वो भोलेनाथ का है सब कोई अच्छा वो भोलेनाथ का अंश है
मेरी को एक बात मैं आप लोग फिर भी पूछना चाहेंगे, ये बनाता है ना प्रसाद प्रसाद बना के कुछ बहुत परिकार मिसा के मिक्स करके बनाता है ना, ये नहीं खाने से आज शिवरात्रि में आचरण नहीं होता है बोलता है, इसके बारे में स्पेशल बना देना मेरे को। क्या प्रसाद क्या चीज पहले बोलो, प्रसाद में कुछ मिसा मिक्स करता है ना वो क्या क्या सरे सुरे दो नहीं, वो हमने वो हम नहीं जानते उस चीज के बारे में क्या मिक्स करता है क्या नहीं ना। आप लोग कुछ नहीं खा रहे? ना ना हम भोजन करता है निरामिष भोजन, दांतु मेकड़ी नहीं गोड़ बाबा जी करता है, एकदम निरामिष भोजन करता है, एक टाइम सुबह में जलपान करता है, बस यही है हमारा। अभी आया है दो तीन दिन के लिए, इधर में महादेव का दर्शन हुआ है शंभुनाथ जी का, अभी इनका दर्शन करके फिर चले जाएंगे अभी बद्रीनाथ केदारनाथ। और आप लोग इतना दूर से आए, हम लोग बहुत बार पूछने भी चाहेंगे पशुपतिनाथ और क्या बोलते हैं उधर का बद्री केदार बद्री, हाँ हाँ ये अमरनाथ है उधर, ये बहुत नाथ है ना। अब इसके लिए सबसे बड़ा अथवा ये बोलते हैं ना इधर नेपाली लोग बहुत लोग जानने भी चाहेंगे, ये इधर जो पशुपतिनाथ अमरनाथ बद्रीनाथ ये है ना, ये सबसे अच्छा किधर का मंदिर से जाने आना अफेसा करता है ना, वो मिलेंगे लगता है किधर का अमरनाथ, अमरनाथ अमरनाथ है ना, हाँ अमरनाथ बर्फानी बाबा उधर ही मिलेगा। आप लोग उधर गया है? इधर कश्मीर में, हाँ इधर में जो था भस्मासुर पीछे लगे थे ना जब, तो भस्मासुर जब पीछे लगे थे भोले बाबा के पीछे, तब भोले बाबा आगे आगे भागा तो यहाँ छुप गए थे, तो यहाँ से मस्तक निकला था शिव जी का कि कहाँ गए भस्मासुर, वो तो उसको भस्म कर देते भोले बाबा को, तो इसलिए वो फिर उन्होंने जो था विष्णु जी ने उनको बचाया था। बाबा आप लोग उत्तराखंड के हरिद्वार में बैठते हैं ना आप लोग? हाँ जी उत्तराखंड, उधर हरिद्वार में बैठते हैं तो उधर पूरा साल उधर बैठता है कि इधर उधर जाते जाते समय नए तीर्थ में रहते हैं यात्रा में रहते हैं? बार बार इधर उधर कमख्या जी में आपका पशुपति में तो दो बार आता है, हाँ दो चोटी आउंछ में होता श्रावण में अनि शिवरात्रि में। अच्छा इधर नेपाल आते रहते हो आप लोग? उधर उत्तराखंड में तो बोलते रहे इंग्लिश, क्या नेपाली भी बहुत बोलते हैं आप लोग? क्यों नहीं बोलते हैं? नेपाली लोग बहुत है, नेपाली भी बोलता है उधर, आप लोग के बोलने को नहीं आता? हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, सीखेगा वो जगह जगह जाता है, शाम में भी जाता है उधर में कामरूप कमख्या माई है शिव सागर है, अब धीरे धीरे इधर से नेपाली सीख रहे हैं। अच्छा चलो बाबा आप लोग कब जाओगे इधर से? हम दो तीन दिन में जाएंगे। अच्छा आप लोग तो इधर अभी ऐसे बैठा है, अब पूजा नहीं करेंगे? इधर में थोड़ा दान दक्षिणा मिलता है बाबा लोग को, पूजा हमने 4 बजे स्नान किया है, स्नान करके उधर में जल चढ़ाया है, पूजा किया है, उसके बाद अब बैठ के भक्त लोग आएगा, कुछ गाड़ी भाड़ा खर्चा देगा बाबा लोग चले जाएगा। अच्छा अच्छा एक हम गुटी संस्था से कंप्लेन करना चाहते हैं, हम लोग हरिद्वार उत्तराखंड से आते हैं, विदागी नहीं मिलता इधर में। अच्छा हाँ रिक्वेस्ट नहीं किया है? रिक्वेस्ट अब कर रहे हैं, मीडिया के सामने शो कर दिया है, कोई सुनता नहीं है। इधर जो गुठी है, गुठी में आप लोग इधर आएगा तो इधर उधर आप लोग इधर आया, इधर बैठने का जो गुड़ी है ना वो गुड़ी क्या बोलता है आप लोगों ने एक बार तो बोला होगा ना, बताया होगा ना क्या बोला होगा? हम जिस अखाड़े में बैठते हैं, हम नाम शो नहीं करेंगे, जिस अखाड़े में बैठते हैं उस अखाड़े में जब पंगत लगता है तो गुटी का लोग आता है, वो नाम पता लिख के जाता है कहाँ कहाँ से साधु संत आता है, ठीक है, लेकिन जब लास्ट टाइम में 150-200 रुपया दे देता है, हरिद्वार का किराया 100 रुपया है, आप बताइए। हम यहाँ पर 3-4 हज़ार रुपये इंडिया खर्चा करके आया इधर में, उधर में ट्रेन से आया, ट्रेन से फिर बस में आया, फिर वहाँ से बस बदली किया, फिर काठमांडू में आया, और इधर में रहने का भी हमारे को सुविधा नहीं मिला, जो पुराना लोग आता है उनको बोलता है सुविधा देता है, तो नया आदमी को भी सुविधा मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, हर आदमी को हर जैसा सुविधा मिलना चाहिए, एक जैसा सबको सुविधा मिलना चाहिए। चलो ठीक है बाबा, आप लोग इधर आए, इधर अच्छा तरह से जाओ, आप लोगों का जिंदा मनोकामना किया है सब पूरा हो जाएगा लगता है। हरे हरे महादेव की जय।
शंकर शंभू की, शंकर शंभू की, पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ की, साधु संत की, भक्त लोग की, भक्त लोग की, हर हर महादेव। अच्छा नेपाल नमस्ते। यहाँ जसरी बाबाहरू आएका छन् र उनीहरूले जसरी बताएका छन् कि उनीहरूले गुठीमा आइसकेपछि आफूले बस्न खानेको लागि धेरै समस्या हुन्छ, अथवा उनीहरूले जसरी इन्डियाबाट जति पैसा खर्च गरेर आउँछ यहाँ आइसकेपछि भने बमोजिम भने जस्तो भयो हुँदैन भनेर भन्ने गरिरहेका छन्, जसरी उनीहरूसँग कुरा गरेका छौँ।